अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अनु खाला आई थी, अनु तो खाला चली गई, अनु को छोड़ दिया, तो बस अनु आज रहेगी हमारे साथ। तो बस ये हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ये बच्चे देखिए इतने छोटा है, इतना छोटा है, ये स्कूटी चला रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब कुछ दिनों से बारिश हो ही नहीं रही बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, बहुत ही मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है। सब दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो, बारिश हो। मैंने इसी धूप की उसमें मैंने सुखाया था, घर पे पड़े पड़े इसमें थोड़े से वो हो गए थे, तो खाना ने कहा इसको सुखा दो, अच्छा हो जाएगा ये पूरा। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, गर्मी हद से ज़्यादा है, तो से दुआ है कि बारिश हो जाए। एक है हमें तो साइकिल भी चलाने नहीं आता, और वो बच्चा इतना छोटा है उसको स्कूटी तक चलाने आता है। उसके बाद ये है अनु का जाने का टाइम, वो हो गई है रेडी। अनु के जाने के बाद खालू लेके आए थे आइसक्रीम, जो हम तीनों ने मिलकर बहुत मज़े से खाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में तो आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। The next day, ये फिर दूसरे दिन का है, 4 बजे वाला टाइम। हम सब रूम में ऐसे ही बैठे हुए थे, वहाँ से बाहर निकले तो देखा मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पूरे बादल काले हो गए हैं, और मतलब बारिश होगी लगता है। महीने बाद तो बस हम सब आ गए थे छत पे ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए, क्योंकि गर्मी से बहुत तंग हो गए थे हम सब। तो बस तो छत पे चाय थी नीचे, और जैसे नीचे बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि गर्मी से सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो अब बारिश स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पे मज़े से खेल रही थी पानी लेके, और जैसे ही बिजली मतलब लाइटिंग जैसे स्टार्ट हुआ ना, जितना डर लगा मैं एकदम दौड़ के चली गई अंदर। बाजी में मजाक उड़ा रही है, क्या हुआ क्या हुआ? बस यहाँ मैं छुप के नहा रही हूँ खाला से, खाला को पता नहीं है, तो बार बार बाजी हमको रोक रही है कि नहीं जाओ नहीं जाओ, पर मैं चली गई और मैंने नहाया। इतना मज़ा आया क्योंकि इस बार बारिश में पहली बार नहाई मैं बीमार हो जाती हूँ, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो खाला बाजी सब नहाने के लिए नहीं देती मुझे, तो वह इस खाला से छुप के मैं गई थी नहाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हाँ यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको मैं कहने चलो नहाओ जाके, तो वो नहीं नहाया, उसको भी बुखार है, तो अम्मी डांटेंगी उसकी। तो मैं और बाजी बहुत मज़े से हम लोग नहा गए, खाला आई थी लास्ट में, तो बारिश तब तक ख़त्म ही हो गया था, तो बस शाम को हम लोग लगाया था गर्म पम्प, बहुत टेस्टी बना था, और कंटिन्यू उसी दिन से बारिश हो ही रही है, यहाँ पर कितना पानी जमा हो गया है, मौसम बिल्कुल ठंड वाली लग रही है। 3 दिन पहले लग रहा था गर्मी से पता नहीं क्या ही हो जाएगा, और अभी लग रहा है कि मतलब आज से हमारे घर में एक नई लड़की आई है, देखिए यहाँ पे हमारे घर पे आई है एक नई सी बच्ची। तो नाम बताइए, आपका नाम क्या है? आप सभी बताइए। तो बताइए ये कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका नाम क्या है। इतनी ज़्यादा बारिश में घर से निकलना भी एक टास्क है, जिसको पूरा करने के लिए मैं और बाजी निकल गए हैं, कुछ दूध लाने थे, कुछ सामान लाने थे घर के, तो बस ये शाम का टाइम है, हम लोग निकल गए थे। बारिश रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यू चल रही है, मतलब कम हो रहा है फिर तेज़ हो रहा है, तो वही बस हम लोग आए थे सामान लेने के लिए। और खाला गई थी पूर्णिया नानी को डॉक्टर दिखाने के लिए, तो बस वो लोग भी आ गई हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।